दाल मखनी एक ऐसी रेसिपी है जो सबकी फेवरेट होती है और रेस्टोरेंट में ये काफ़ी महंगा मिलता है। आज हम इसे घर पे बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है उड़द दाल, राजमा और चना दाल। इसे रात भर भिंगो कर रखा है। फिर इसमें डालेंगे नमक और खड़े मसाले। इसमें पानी डालकर 1 से 2 सीटी आने तक पकने देंगे। फिर कुकर में लिया है 2 चम्मच घी। इसमें डालेंगे बारीक कटे प्याज। इसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज जब हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। फिर इसमें डालेंगे 5 टमाटर की प्यूरी, साथ ही इसमें डाला है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। इसे मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हमने इसमें डाला है पके हुए दाल, साथ ही हमने दाल का पानी भी डाला है। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर 10 मिनट तक ढककर पकाना है। 10 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें डाला है 1 कप पानी। इसे भी मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें डाला है 1 चम्मच बटर, कसूरी मेथी और 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। इन सभी को मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। लास्ट में हमने तड़के के लिए बटर में कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इसके बाद लास्ट में धनिया पत्ता और फ्रेश क्रीम डालकर गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। इसे सर्व करेंगे चावल के साथ। तो आप भी इस दाल मखनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।